बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसका जो स्विंगा ये सॉरी USD फोक है ये अपडेट क्यों नहीं हुआ। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि गाड़ी अब डिसकंटिन्यू हो गई, मार्केट में आ क्यों नहीं रही है। तो गाड़ी आ चुकी है ऑलरेडी। तो हेलो वेलकम बैक टू चैनल गाइस डूइंग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में क्या है ना कि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर बाइक के बारे में, F250 की रीसेंट अपडेट के बारे में, बिकॉज ये बाइक रिसेंटली अभी अपडेट हुई है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट स्टिल ये गाड़ी फिर से अपडेट हुई है और जो सारे चेंजेस हुए ना इस गाड़ी में उस बारे में ही बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। पहुंच चुके हैं हम लोग लोकेशन पे, बिकॉज ये एरिया वैसे चूज करता हूँ ना, बिकॉज यहाँ पे व्यूज देखो आप कितना अच्छा व्यू है। और बात करते हैं इस पर्टिकुलर बाइक की, इस बाइक में हुए अपडेट्स के बारे में, बिकॉज टोटल कुछ अपडेट्स हैं इस बाइक में, मेजर अपडेट्स नहीं है, इसलिए मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ उस चीज़ को लेकर। बिकॉज N250 में जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इसमें USD4 आ गया था, बट अब जो अपडेट आया है ना F250 में उसमें USD4 नहीं आया है। और फर्स्ट अपडेट तो आपको मैं बता दूँ कि ये टायर जो है ना, टायर कंपनी ने अपडेट कर दिया, रिम को थोड़ा सा और वाइड कर दिया है, जिसके कारण टायर आगे से और ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें आप देख सकते हो कि टायर का जो साइज़ है यहाँ पर लिखा है, मेंशन है 180/17 है ना, बट अब जो है टायर का साइज़ हो गया है 110, रिम भी थोड़ा सा और चौड़ा हो गया है। और पीछे का जो टायर है ना, ये एक्चुअली मैंने लगाया था बाद में, 150 सेक्शन का टायर मैंने लगाया है, बट कंपनी से 130 सेक्शन का टायर आता है, लेकिन अब जो है अपडेट में इसको 140 सेक्शन टायर मिल गया है। और ये जो रिम देख रहे हो ना आप, ये थोड़ा नैरो है, मैंने 150 सेक्शन लगाया था, बिकॉज पीछे से ये गाड़ी जो है ना वाइड नहीं लगती थी टायर के कारण। तो 150 सेक्शन लगाने के बावजूद कुछ गाड़ी का ये हाल है, वाइड तो हुई है पीछे से टायर जो है, वाइड तो लगता है अनडाउटेडली, बट रिम थोड़ा पतला होने के कारण ज़्यादा वाइड नहीं लगता है। और अब जो है ना रिम को थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया गया है और टायर का सेक्शन थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है, 140 सेक्शन का टायर अब आपको इसमें मिलेगा। ये हो गया टायर की बात, पहला अपडेट। दूसरा अपडेट जो है ना उसके डिस्क ब्रेक में, इसमें 300mm का डिस्क ब्रेक आता है, बट ये नॉर्मल सा डिस्क ब्रेक है। अब जो F250 आ रही है ना उसमें पेट्रल डिस्क ब्रेक आता है, तो ब्रेकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। और पेट्रल डिस्क ब्रेक का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना कि जल्दी ठंडा हो जाता है वो, बिकॉज एनीवेज ये हो गया दो अपडेट। तीसरे अपडेट की बात करूँ तो ये मेरा ब्रुकलिन ब्लैक कलर है, डुअल चैनल ABS वाला मॉडल जैसा कि आप सब जानते हैं, बट इसमें एक अपडेट कलर को लेके आया है। ये सारे जितने मैट पार्ट है ना ये अब ग्लॉसी ब्लैक हो गए हैं और यहाँ पे रेड स्ट्राइप्स आ गए हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा उसका जो फोटो है अभी का, तो आप देख सकते हो उस बाइक में और इस बाइक में। मुझे तो यार ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, आई डोंट नो अपना खुद का सबका प्रेफरेंस होता है, बट मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ये आगे से मैट है और पीछे से ग्लॉस है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो अपना प्रेफरेंस हो गया, अपना सब्जेक्टिव मैटर है। तो तीन अपडेट्स मैंने बता दिया आपको, डिस्क ब्रेक का, टायर का एंड कलर का। चौथा अपडेट है इसके मीटर में गाइस, तो मैं आपको मीटर दिखाऊँ। तो इस बाइक का जो मीटर है ना गाइस, ये देख लो आप, कुछ ऐसा सा है, ये पूरा स्वाइप अप होता है और इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है और एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दिखाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, फ्यूल एंड यहाँ पे स्पीडोमीटर है ना, RPM, ABS और बाकी सारी इंफॉर्मेशन। बट अब का जो मीटर है ना वो कम्प्लीटली डिजिटल हो गया है, ये भी अपना खुद का सबका प्रेफरेंस होता है, मुझे पार्ट एनालॉग एंड पार्ट डिजिटल अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को वो पसंद होगा, बट मुझे यार इसमें ज़्यादा फील आता है जब आप ये जो है ना ये जब स्वाइप अप होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब फील होता है कि हाँ कोई आप अच्छी बाइक चला रहे हो, स्पोर्ट्स बाइक टाइप चला रहे हो। तो आपने देखा भी होगा ना हायाबुसा जो अपडेट हुआ, तो हायाबुसा में भी वो डिजिटल नहीं दिया है कंपनी ने, बिकॉज वो जो फील आता है ना RPM वाला वो फिर ख़त्म हो जाता है। और ये आगे से मैट होने के कारण कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ग्लॉस ब्लैक मैट ग्लॉस ब्लैक, तो ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे तो अपना सबका खुद का प्रेफरेंस होता है, तो मेरा ये मुझे ये अच्छी लगती है इस कलर में। एनीवेज बात करें तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया है, अभी ट्रैक्शन कंट्रोल इस वाले बाइक में नहीं है, बट अब अपडेट के साथ ये ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आपको मिलेगा और राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, अच्छा अपडेट है। और
यही सारे अपडेट्स हैं इस पर्टिकुलर बाइक में, और कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ है। और हाँ यार, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसका जो स्विंगा ये सॉरी USD फोक है ये अपडेट क्यों नहीं हुआ, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि USD फोक अपडेट करने के लिए ना गाइस क्लिप ऑन हैंडल का थोड़ा सा इशू हो जाएगा, ये शायद चेंज करना पड़ जाएगा कंपनी को, और ये जो है ना ये पूरा का पूरा अपडेट करने के लिए इसको भी फ्रेम को भी थोड़ा वाइड करना पड़ेगा, जिसमें कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए कंपनी ने बहुत अच्छा कॉस्ट कटिंग किया है, इसलिए इसमें कोई USD अपडेट नहीं आ रहा है N250 की तरह, बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज की फ्रेम कम्प्लीटली चेंज करना पड़ जाएगा, इसलिए इसमें कोई अपडेट नहीं आ रहा है USD से रिलेटेड। बाकी N250 वाले सारे अपडेट्स आ रहे हैं इसमें, और आ चुके हैं एक्चुअली आपके शोरूम में, नियरेस्ट शोरूम में अभी अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई, मार्केट में आ क्यों नहीं रही है, तो गाड़ी आ चुकी है ऑलरेडी, आप जाओ टेस्ट राइड लो, पसंद आए तो बुक करो, बहुत अच्छी बाइक है। बिकॉज आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होगी, मैंने बहुत इस बाइक से वीडियोज़ बनाई हैं और घूमा भी हूँ काफ़ी ज़्यादा इस बाइक से, और बाइक अभी तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुझे ओन किए हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं बाइक को, और बाइक अनडाउटेडली बहुत अच्छी है टूरिंग पर्पज़ के लिए। अगर आप 90 के आसपास क्रूज़ करते हो ना, तो आप इससे आराम से क्रूज़ कर सकते हो काफ़ी टाइम तक विदाउट एनी स्ट्रेस। और इसमें अभी भी जो है ना लिक्विड कूल इंजन नहीं मिलता है, ऑयल कूल इंजन मिलता है। रेडिएटर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू 220 एंड अदर बाइक्स, तो हीटिंग का कोई इशू नहीं है। और दैट्स ऑल अबाउट दिस बाइक पे। और RS 200 के बारे में जो अपडेट है ना, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार RS 400 कब आएगी, तो यार 200 का अभी तक अपडेट नहीं आया, तो 400 क्या ही आएगी। 200 के साथ भी जो है ना USD फोक आप उसमें एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज उसके साथ भी वही बात है, फ्रेम को चेंज करना पड़ जाएगा, ये जो है ना ये कम्प्लीटली ये एरिया को, इस वाले एरिया को ब्रॉड करना पड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इसमें USD जितने भी फ्रेम वाले बाइक्स है ना, जिसमें वाइजर है आगे में, तो उस वाले बाइक को अभी बजाज अपडेट नहीं करी है, बिकॉज पूरा का पूरा सेटअप चेंज करना पड़ जाएगा। सो यही अपडेट था RS 200 के बारे में, बिकॉज ये मैंने एक बजाज के एग्जीक्यूटिव से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस कारण से जो है ना अपडेट नहीं हो रही है, और इस बाइक में बिकॉज यार क्या ही मेहनत था, N250 में जब लाया है USD फोक बजाज ने, तो इसमें भी ला सकते थे, बिकॉज ऑफ फ्रेम ओनली इसमें USD फ्रेम नहीं आया, और वही सेम चीज़ RS में भी होने वाला है। सो एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपके दिमाग में, तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, मैं आंसर कर दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।